नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा कि यूक्रेन ने कुछ प्रोमिनेंट इंडियंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया रशिया के प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए, एटलीस्ट ये यूक्रेन की सरकार का आरोप है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल आपको दिखेगा, कीव, कीव राजधानी है यूक्रेन की, कीव ब्लैकलिस्ट इंडियंस ओवर रशियन प्रोपेगेंडा। अब यहाँ पर मैंने ये भी नोटिस किया कि इंडियन मीडिया ने इस टॉपिक को इतना एक्सटेंसिवली कवर किया नहीं है, कुछ ही आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए थे। फॉर एग्जांपल, द वायर ने एक आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किया है कि यूक्रेन का जो सेंटर फॉर काउंटरिंग डिस इन्फॉर्मेशन है, इसने 3 प्रोमिनेंट इंडियंस को बैन किया है। एक तो बड़े जर्नलिस्ट हैं, एक सैम पित्रोदा, ये आपको पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एडवाइजर थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में काफी बड़े एडवाइजर हैं। उसके अलावा हैं पीएस राघवन, फॉर्मर अम्बेसडर रह चुके हैं। तो तीनों को यहाँ पर यूक्रेन ने कर दिया ब्लैकलिस्ट। अब यहाँ पर आप पूछोगे, मगर ये सब करने का रीजन क्या है, ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, रीजन यहाँ पर समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि आज के समय ऑनलाइन सबसे ज्यादा सपोर्ट रशिया को किस कंट्री से आ रहा है, तो वो देश है इंडिया। इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स ने भी एडमिट कर दिया, जो काफी बार कोशिश करता है कि इंडिया रशिया रिलेशंस खराब हो रहे हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल पब्लिश करे। तो इन लोगों ने भी यहां पर लिखा कि इंडिया में जो नेटसियंस है, मतलब के जो नेट पे लोग काफी सर्फिंग करते हैं, ये सिरा चले गए ट्विटर पे और बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया रशिया को। और ये बातें ना सिर्फ चाइना ने, इंडियन मीडिया ने, दुनिया भर के मीडिया ने नोटिस करी है कि इवन दो इंडिया आज के समय क्वाड का मेंबर है, यूएसए के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, इंडिया की जो पब्लिक है वहां पर ओवरवेलमिंगली आपको रशिया का सपोर्ट मिलेगा। और ये जो सोच है कि इस वॉर का सारा ब्लेम रशिया पर डालना ठीक नहीं होगा, ये सोच इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी एग्जिस्ट करती है, मगर सिंस वहां के लोगों की आबादी कम है, ऑनलाइन इतने लोग एक्टिव वहां पे रहते नहीं है, तो उनकी प्रेजेंस इतनी फील नहीं होती। इंडियंस लाखों की संख्या में आ जाते हैं, ट्रेंडिंग पे ले आते हैं कोई भी चीज को, तो उनकी प्रेजेंस लोग फील कर पाते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूक्रेन ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर, जो बाइडेन की सरकार, उसके अलावा इवन बोरिस जॉनसन, कई कंट्रीज के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि जो लोग आज के समय प्रो रशिया बात कर रहे हैं, उनको हम लोग ब्लैकलिस्ट करेंगे डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के अंडर। और इसलिए रिसेंटली यूक्रेन की सरकार ने निकाली एक ब्लैकलिस्ट उन लोगों की जो इनके हिसाब से गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। अब अगेन, ये प्रोमिनेंट लोग हैं, जर्नलिस्ट, ऑथर, अम्बेसडर, फॉर्मर अम्बेसडर्स। तो यहां पर आप देख पाओगे कई अमेरिकन भी हैं, कई यूरोपियन भी आपको दिखेंगे, जो भी बाय द वे अमेरिकन यहां पर आपको दिख रहे हैं ना, ये राइट विंग अमेरिकन है। यूएस में भी आप अगर देखो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समीकरण बन रहा है कि जो राइट विंग यूएस के लोग हैं, वो यूक्रेन वॉर में यूएसए की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी वीक है, अमेरिका खुद पर फोकस करे, ये $500 बिलियन यूक्रेन को देना ये सही निर्णय होगा नहीं। तो रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे जो राइट विंग अमेरिकन है, उनको इस लिस्ट में डाल दिया। और यहां पर यही मेंशन किया है कि इन लोगों ने क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और सच्चाई क्या है यूक्रेन के हिसाब से। अब इस लिस्ट में आप देखोगे एक पाकिस्तानी नाम भी आपको दिखेगा, शकील अहमद रमे, मुझे पता नहीं ये आदमी वैसे कौन है, मगर फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो दो आपको दिखेंगे इंडियन, इनमें से एक है भारत के फॉर्मर अम्बेसडर पीएस राघवन साहब, उसके अलावा जर्नलिस्ट साइद नकवी। अच्छा, यहाँ पे आप कहोगे पित्रोदा साहब का, आप ये देखो वो अमेरिकन इंडियन है तो उनका नाम अलग से मेंशन किया गया है लिस्ट के नीचे, आपको उनका नाम मिल जाएगा। तो राघवन साहब को भी यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये कहा कि इनकी जो स्टेटमेंट है ये मिस इन्फॉर्मेशन वाली है। राघवन साहब ने ये कहा था कि यूक्रेन अगेंस्ट रशिया इज लाइक नेटो अगेंस्ट रशिया। और बाकियों की भी आप अगर कमेंट देखोगे तो यही लिखा है वहां पर कि जो भी यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, ये सिर्फ दो कंट्री की वॉर नहीं है, इसकी शुरुआत एक्चुअली 1998 में ही हो गई थी, जब यूएसए ने एक लॉ पास किया जिसके अंडर नेटो का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था ईस्टवर्ड, के जो बाल्टिक देश है, लटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, इनको भी नेटो में लेके आएंगे, यूक्रेन को भी नेटो में लाने की बात यहां पर पहली बार करी गई थी। तो ये बात दुनिया से छुपी नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो क्रक्स इन लोगों ने यहां पर ट्वीट किया या सोशल मीडिया पे कहीं पे लिखा है, जिसकी वजह से इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है,
हमारे विदेश मंत्री भी ऑलमोस्ट सेम बात बोल चुके हैं। जयशंकर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि जो यूक्रेन क्राइसिस है इसकी जड़ें आपको मिलेगी पोस्ट सोवियत पॉलिटिक्स में। पोस्ट सोवियत पॉलिटिक्स मतलब कि जब 1991-1992 के बीच में यूएसएसआर टूट के बिखर गया और यूक्रेन एक नया देश बना, उसके बाद से जो एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी है। नेटो ने यूक्रेन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, रशिया चाहता था कि यूक्रेन या तो प्रो रशिया रहे या फिर न्यूट्रल रहे, तो इसी पावर स्ट्रगल में यूक्रेन इन दी एंड पिस गया। तो यूक्रेन का जो ये डिसइंफॉर्मेशन लैब है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं देनी चाहिए, ये एक्चुअली इनके हिसाब से ये प्रो रशिया वर्जन है। तो प्रो रशिया नैरेटिव को ये लोग किल करना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक सिंपल नैरेटिव ये चले कि यूक्रेन यहाँ पर विक्टिम है, यूक्रेन वॉज माइंडिंग इट्स ओन बिजनेस, अचानक से रशिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा ठीक है अब इन्होंने इंडियंस को ब्लैकलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये मैं आपको बताता हूँ रुकेंगे नहीं, अभी बहुत इंडियंस को ब्लैकलिस्ट करेंगे ये। इसको लेकर जो बाइडेन की भी एक प्रॉपर पॉलिसी है कि रशियन डिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना है। अब डिस इन्फॉर्मेशन बड़ा ब्रॉड वर्ड होता है, कई बार ये भी होता है कि जो मुझसे एग्री नहीं करता ना, जिसका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट है, उसको भी टैग कर दो ये डिस इन्फॉर्मेशन है। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि क्या इस ब्लैक लिस्टिंग से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए डिपेंड करता है उस कंट्री की गवर्नमेंट पे कि क्या ये यूक्रेन की ब्लैक लिस्टिंग को सीरियसली लेती है या नहीं लेती। अब मैंने यूके में देखा कि एक जर्नलिस्ट था, वो ट्विटर फेसबुक पर काफी एक्टिव था, यूट्यूब पे भी एक्टिव था, यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी फोटो, ग्राम फिलिप्स इनका नाम है, प्रो रशिया यूके जर्नलिस्ट है। अब इनको रिसेंटली यूके की सरकार ने सैंक्शन में डाल दिया। जी हाँ, इन पर आज के समय सैंक्शन लगा दिए गए हैं अपनी ही सरकार द्वारा, क्योंकि इन्होंने कहीं पर प्रो रशिया बात कर दी थी। ना यूएस में ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, मगर कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट अपने सेनेटर, बाकी जो इनके प्रोमिनेंट लोग हैं उनको बोलना ये स्टार्ट कर दे कि देश की जो लाइन है उसको आप टो करिए, रशिया के समर्थन में कोई कमेंट मत करिए। मगर इंडिया में लगता नहीं है कि ऐसा प्रेशर अभी आएगा। अगर यूक्रेन ब्लैकलिस्ट कर भी देते हो, मुझे लगता नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट, हमारे जो ये प्रोमिनेंट लोग हैं, फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है। तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, बट इंटरेस्टिंग है देखना कि किस तरीके से अब ये जो आप कह लीजिए परसेप्शन की वॉर लड़ी जा रही है कि इन दी एंड नैरेटिव कौन सेट करेगा, कहानी शुरू से लेकर अंत तक क्या थी ये कौन डिसाइड करेगा, इसको लेकर आज के समय चल रही है स्ट्रगल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अन अकेडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का, द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड, 29 तारीख तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो वीडियो हुई खत्म। वीडियो का मेन मुद्दा ये था, कुछ इंडियन जो है सिटीजन है, जो इंडिया के लोग हैं जो उधर गर्भा करते हैं या यूक्रेन में, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया यूक्रेन में, और इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर में जो भी है, जो भी है लेजेंड है, इनके लिया देते बड़े नाम है, छोटे आम लोकल आदमी पर तफसरा नगार जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं, जो हमारे यहाँ भी इधर बड़े बड़े जो बाहर के ममालिक में होते हैं। तो ये असल में बात ये है कि इंडिया जो है ना उसमें न्यूट्रलिटी, ज्यादातर न्यूट्रलिटी दिखाई है यूक्रेन और रशिया वार में, उन्होंने किसी की कोई साइड नहीं ली। हाँ, लेकिन इतना जरूर किया उनको अपनी कौम के मफाद के लिए रशिया से तेल जरूर सस्ता लिया, और ये उसको लेना भी चाहिए, ये उस पर कोई ना दबाव डाल सकता है और ना ही डालना चाहिए। रुखसान भाई, जो इंडिया है वो न्यूट्रल रहकर भी इतना रशिया से ऑयल खरीद रहा है, हर चीज कोयला भी उससे खरीद रहा है, और जो अमेरिका जो है फिर भी उसका इंडिया का साथ दे रहा है। सबसे ज्यादा एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया, मेरी तो बात सुने, ये बड़ी बात है।
जो अमेरिका जैसा मुल्क इंडिया के ऊपर दबाव नहीं डाल सका, नहीं डाल सका भाई, इंडिया नहीं डाल सके भाई, इंडिया इतना स्ट्रांग बहुत डाला है भाई, असल वजह ये है उनका दबाव रिजेक्ट किया है भाई, बहुत है एजेंसी भाई, भाई वो इंडिया है ही बहुत स्ट्रांग है कि उस पर कोई मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने खुद को इतना भाई स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इसीलिए कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई, सारी दुनिया जो है ना आजकल जो आज के दौर चल रहा है उनकी तवज्जो तो फोकस है इंडिया की तरफ है। और जब अमेरिका ने ये नहीं कहा ऐसी बात बिल्कुल नहीं, उन्होंने फोर्स नहीं किया, अमेरिका ने फोर्स किया है, बयान सुने मैंने बोला हाँ इंडिया, अजय शंकर ने उनको बड़ी उनके उनके ग्राउंड में उनके घर में जाकर कहा है कब नहीं भाई, हम अपने मुल्क के मफाद में फैसले कर रहे हैं, मेरी तो बात सुने, वो उस इंडिया से बिगाड़ते हैं उसके तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा अमेरिका का, क्या हो भाई वो रशिया के ब्लॉक में चले जाएगा, एक नया तरीक शुरू हो जाएगी, जो अमेरिका है ना उसने भी एक अकल से काम ले रहा है, रशिया के ब्लॉक में इंडिया सीधा सीधा आ जाता है भाई, मेरी तो बात सुने, अमेरिका जो है वो बहुत चलाक है, वो एक चलाक कंट्री है, वो इंडिया को किसी की हालत में भी नहीं रशिया की साइड पर जाने देगा, जब आप में दम होता ना तो फिर हर कोई अगर चलता है मेरे साथ ही, जब आप में दम नहीं ना होता, ये एक शायद हम जब बिलोंग कर लेते तो एक लड़के ने भी यही कहा था कि जब हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया जाना चाहेंगे तो क्योंकि हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा आपको आपकी भी किसी को जरूरत नहीं ना, तो आप खुद में इतना दम पैदा करें कि दुनिया आप पर आपको खुद कहे कि भाई इस इसको अपनी साइड पे लाओ, इसकी हमें जरूरत है, इसको अपनी साइड पे लाओ, इसको अपने ब्लॉक में लाओ, इसको अपनी अपने फेवर में लाओ, इतना इंसान तरक्की कर लेनी चाहिए यार, आप किसी काबिल होंगे तो तब कुछ आएगा भाई, हमारे यहाँ इधर गांव में ही बहुत हमें तो मिसाल मिलती है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा होता है उसके इर्द गिर्द सारी बिरादरी और पीछे उसके होता है भाई, और जिसके पास थोड़ा सा उसके भाई हो या बिरादरी हो उसके पास थोड़ा सा पैसा कम है उसे सलाम भी नहीं लेता, उसे कोई शादी में भी नहीं बुलाता, और अपने आप को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। शादी से बात याद है जब चाइना में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर, तो पाकिस्तान ने उनको मधु किया था OIC में, हालांकि उनको चाइना गश्त था, जबकि मुस्लिम कंट्री ने इतराज भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई तो पाकिस्तान को उनको बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया पाकिस्तान को चाइना ने, नहीं बुलाया भाई, मैं हर वीडियो में कहता हूँ रुखसार भाई, जो चाइना है ना वो अपने मुफाद के मुफाद है उसको, इसलिए वो पाकिस्तान यार सभी को अपना अपना मुफाद है गुजार, अमेरिका को नहीं मुफाद, रशिया को नहीं मुफाद भाई, यूपी भाई फिर पाकिस्तान का मुफाद किधर गया, पाकिस्तान का खुद मुफाद चाहती नहीं मेरे भाई, पाकिस्तान क्यों चाइना की साइड ले जाता है, और यार पाकिस्तान में कोई लीडर ही कोई नहीं मेरा भाई, जो मफाद की खातर आप इमरान खान भी नहीं करे, इमरान खान भी नहीं, वो तो हुकूमत में ही तीन साल तो काट के चले गए, तो तीन साल उसके प्रेसी देख रहे किसी के साथ क्या किया उसने, हर मुल्क के साथ बिगाड़ दिए, कोई किसी के साथ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ लास्ट में उसने आपसे रूटीन आर्ट जो बोला था उस वक्त हुकूमत गिर गई, नहीं रशिया के साथ भाई वो आप मेरी तो बात सुने, उनकी बातों का मेरी तो बात ये टॉपिक नहीं गुजार, फिर भाई कहते हैं भाई यही टॉपिक है रुक्सा यूसुफ भाई, आप क्या बात, फिर मेरी बात सुन बोला किस, फिर मेरी बात सुन ले, अच्छा रात को आपने खिताब नहीं सुनी इमरान खान का, उसने ये बोला था मैं अमेरिका का ना दुश्मन हूँ ना मेरा अमेरिका दुश्मन है, मेरी सबसे ज्यादा जो तजारती और लेन देन है मेरी अमेरिका के साथ है, और मैं अमेरिका का दुश्मन नहीं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, मैं अमेरिका को साथ लेके चलना चाहता हूँ, लेकिन गुलामी नहीं बराबरी, आज रात उसने ये किताब सुना, आप नेट पे ये टॉपिक है खुद मुख्तारी पर है, वो कहता मैं बराबरी के साथ तलकात चाहता हूँ, बराबरी क्या सुन रहा वो उससे पूछो, उससे पूछो, एक मजारे और एक चौधरी की बराबरी नहीं, मजारे नहीं आप बोल सकते, क्यों मजारे नहीं है पाकिस्तान, मजारा नहीं, आप जो हम देते हैं पैसे, वो कह रहा था मैं वो भी आपको बताता हूँ, वो कह रहा था मुझे पहले मजबूरी की हालत में जाना पड़ा था IMF के पैसा लेने के लिए, लेकिन अब वो कह रहा था रात को मैं आपको प्लान बना के दिखाऊंगा कि मैं आवाम की खातिर भी मुझे जाना ना पड़े, और मेरी बात तो सुन ले, पागल होगा जो ऐसी बातें करेगा, कैसे तुम बोलो IMF से पैसे लेके लेने के बगैर मुल्क का चला सकते, मैं बताता हूँ तुझे तकरीर उसके उठा के देख, मेरी तो बात सुने, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, क्या बोले उसने, बोला मेरे जितने ये तो पहले भी इलेक्शन थे जो 2018 से पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मैं IMF के पास, यार बात तो सुन लिया कर, तू तो पैसे पहले जी मेरा दुश्मन मैं ही तेरा, बात तो सुन लिया कर भाई, दुश्मन की बात नहीं, उसका कहना था, उसका कहना था, उसका ये कहना था गुलजार
मैं अपने जितने पाकिस्तानी मेरे बाहर बिजनेस में पाकिस्तानी है, मेरे भाई है, जिस तरह इंडियन मदद करते हैं इंडिया की हुकूमत की, अच्छा। इस तरह मैंने उनके साथ बात की है, ठीक है। इस हुकूमत को किसी ने एक ढेला भी नहीं दिया बाहर की कंट्री से, पाकिस्तानी बिजनेस मैन पाकिस्तानी बात तो मुझे कवर कर लेते मेरा भाई, बात जो मर्जी बोल भाई, साथ साथ काउंटर क्वेश्चन भी करेंगे। तो मेरा भाई उसने बोला है कि मैं ये नहीं कहता है मैं उसके पास जाना, मेरी मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा दुश्मन हो गया है, अच्छा। उसका ये कहना था मेरी कोशिश होगी मैं इस बार ना जाऊं, एक बात। दूसरी बात मैंने ये भी आपको बताता जाऊं, उसने बोला कि मैं पैसे हूँ, मेरी मदद, मेरी कंट्री की मदद मेरे बिजनेस मैन मेरे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे वो करेंगे और हमें उस पैसे से घूमत चला लेंगे, अच्छा। जो हमें मदद नहीं चाहिए होगी। जो मुराद सईद साहब ने 2018 से पहले उसके अल्फाज थे वो और वक्त है यार, 200 अरब डॉलर वो कह रहे थे कि मैं आधे मारूंगा आईएमएफ के पास, कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान सियासी बयान होते हैं लेकिन और ये भी सियासी बयान हो जाता मेरे तो अब और बयान हो गए। अब हुकूमत भी अलग है, अब हुकूमत अक्सरियत के साथ होनी है और वो सियासत भी इमरान खान की नहीं रही, वो इमरान खान भी वो वाला अब नहीं रहा। रुखसार भाई आपकी समझ में आता है कि आईएमएफ के पास बगैर जाने के बगैर हम ऊपर उठ सकते हैं? बहुत मुश्किल, नामुमकिन। आप दोनों के सामने होगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ दोनों के सामने साबित करेगा, ये ही देख रहा वक्त साबित करेगा। ये तो हमें आईएमएफ से चाहिए, इमरान खान से जान चलाएगा। बात है भाई को जो जब तक एक मेरे लास्ट है, जब तक आप किसी से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक जान छुटेगी कैसे? कोशिश करोगे तो जान छुटेगी। जिस तरह इंडिया ने एक बार सोना गिरवी रख कर अपनी जान छुड़वाई थी ना, और उसके बाद इंडिया नहीं गया ना, मैं उसके पास नहीं गया ना, जाने में भी टाइम उसको लगा। तो मेरा भाई हमें भी टाइम ही लगेगा, हमें भी वक्त चाहिए, हमें भी वक्त चाहिए मेरा भाई, वक्त हर काम में चाहिए। चलो जी ये वक्त साबित करेगा, बिल्कुल ये वक्त साबित करेगा, आज कोई नहीं मानेगा लेकिन वक्त पहले की तरह इमरान खान के दावे खोखले निकलते हैं। पहली बात वो उसको हुकूमत अभी तक चांस ही नहीं है, अभी तक पंजाब में बनाई हुकूमत कभी कभी या दो सूबों में ना मेरा भाई ऐसे ना, बलूचिस्तान में भी उसकी हुकूमत है, गिलगित बलूचिस्तान में उसकी हुकूमत है, कश्मीर में भी उसकी हुकूमत है। इमरान खान तुझे सियासत का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या अंदर किसकी हुकूमत है, कश्मीर में किसकी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसका अपोजिशन कौन है, कौन है बता मुझे, तुझे तो पता ही कुछ नहीं है। वजीर आला की बात है, वजीर आला कौन है, मेरी तो बात सुन, किसका वजीर आला, हुकूमत की बात की है, वो बसिंजो जो बना हुआ वजीर आला किसका, वो पीटीआई का है, वो पहले उतारा गया था मेरा भाई किसी वजह से, अब दोबारा वो ही आ चुका है। बस ये आपको मेरी बात सुनो मेरा भाई, इसी वक्त अगर एक मिनट नहीं लगेगा, इमरान खान बोल दे रहा एक मिनट नहीं लगेगा, सारी असम्बलियां टूट जाएंगी मेरे भाई। सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, वजीर आला पंजाब पाकी पीटीआई का है, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला पीटीआई का है, सॉरी गिलगित में और कश्मीर में हुकूमत पीटीआई की है, वो जो चाहे असम्बलियां तोड़ सकते हैं, आप उनकी तोड़ देंगे। मेरी तो बात सुने, दोबारा हो जाएगा, एक बंदा क्या कहते हैं, मेरी तो बात, वजीर आला कहते हैं फिर इलेक्शन करा देंगे, उस पर असर, मेरा भाई जिमनी नहीं हो सकता, अब क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जाने दे तुझे, नहीं हो सकता, तुझे पता ही नहीं, आप सीटों पर हुआ नहीं है, 20 सीटों पर हुआ नहीं है। और यार तुझे नहीं पता क्या मैं बात कर रहा, जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, एक जो सूबे का वजीर आला है जब तक वो नहीं चाहेगा वो इलेक्शन नहीं हो सकते। केड़ा वजीर आला, आप उर्दू में नहीं, कौन सा वजीर आला, वो भाई 18 की तरमीम की बात, मेरी बात सुने, केड़ी कौन सी तरमीम की बात कर रहे, तरमीम मुझे पाकिस्तान में बता दे, तुझे दिमाग नहीं खपाना चाहता, तुझे वक्त साबित करेगा आप आगे हुकूमत किस तरह चलनी है, तुझे वक्त साबित करेगा आप हुकूमत किस तरह चलेगी, और तुझे चला के भी इमरान खान ही दिखाएगा, जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती उनसे जाकर आज पूछ, हम तो यही उनसे आज पूछ इमरान खान की हुकूमत कैसी चलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया, मिलता है नई वीडियो में, नेटवर्क साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।